हेलो, स्वागत है आप सभी का फार्मिंग सिम्युलेटर 2020 के पहले एपिसोड में। तो हम वापस से आ चुके हैं और आज का एपिसोड ना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज से हम एक बढ़िया वाली सीरीज चालू करने वाले हैं। इस गेम के काफी ज्यादा महीने से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई फार्मिंग सिम्युलेटर की सीरीज चालू करो, तो फाइनली आज से हम ये सीरीज चालू करने वाले हैं। इस गेम के अंदर दो मोड है, एक मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं और एक सिंगल प्लेयर खेल सकते हैं। अभी फिलहाल में हम सिंगल प्लेयर से स्टार्ट करते हैं, आने वाले एपिसोड में मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं, मगर अभी तो फिलहाल में सिंगल प्लेयर रखते हैं। और उसके साथ में ना इसके अंदर तीन मोड है, एक है न्यू फार्मर, एक फार्म मैनेजर और एक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये ऐसे समझ लो ये है डिफिकल्टी। अभी फार्मिंग का अपने को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्या इसमें मशीनरी कैसे काम करती है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, फार्मिंग कैसे करते हैं, अपने को कोई भी आइडिया नहीं है। तो अभी हम फिलहाल में ना न्यू फार्मर पे ही रहने देते हैं। और इसके अंदर तीन मैप है, सबसे पहला मैप ये रहा, उसके बाद में ये दूसरा वाला मैप, ये वाला भी मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और उसके साथ में अगर देखोगे तो ये पहाड़ों के अंदर जो कि सबसे खूबसूरत मैप मेरे को ऐसा लग रहा है ये हो सकता है। मगर बाकी दो मैप्स के अंदर ना हम कुछ टाइम के बाद में सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अभी फिलहाल में हम ये वाले मैप को ही रहने देते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग के हिसाब से पहला मैप से ही शुरू करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर ना अपने को अपने कैरेक्टर को बनाना था, मैंने अपने कैरेक्टर को ऑलरेडी बना दिया हूँ, मतलब चश्मा देख रहे हो कबीर सिंह वाला, एक हैट, फिर उसके ऊपर एक कोट, अंदर शर्ट, मतलब ये ड्रेस मेरे को फार्मिंग के हिसाब से ना एकदम बढ़िया लगा। और फेस भी मैंने फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। हेयर स्टाइल अगर देखोगे तो ये वाली हेयर स्टाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी कैप पहना हूँ तो हेयर स्टाइल दिखेगी नहीं। बियर्ड के अंदर अगर देखोगे तो ये वाली बियर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली में इतना, भाई ये वाली भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है ना, इसके ऊपर मूंछ काफी ज्यादा सूट हो रही है मेरे हिसाब से। और मूंछ के अंदर देखोगे तो ये वाली मूंछ मैंने रखा हूँ, कपड़े के अंदर देखोगे तो ये वाला ड्रेस मैंने रखा हूँ। इसके अंदर इतना मजा नहीं आएगा, मतलब ये तो देख रहे हो रेसिंग करने जा रहे ऐसा लग रहा है, तो फार्मिंग के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। और शूज के अंदर ना जो रैंडम वाला शूज है वही रहने देते, पहले मैंने ये वाला शूज रखा था, ये वाला भी शूज काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मगर अपने को ना थोड़ा सा हैवी शूज चाहिए ये वाला अगर देखो, मगर इसका कलर मैच नहीं हो रहा ना, तो ये वाला शूज रहने देते। और गॉगल्स के अंदर जाके ना ये वाला भी लग रहा है, मगर ऐसा लग रहा है क्रिकेट का अंपायर लग रहा है ये, तो ये वाला गॉगल्स सही रहेगा। अब इसको कर देते हैं कंफर्म। और यहाँ हम अपने फार्म पर आ चुके हैं। ओ भाई साहब, इसके ग्राफिक्स तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और हमारे सामने अभी ना एक गेहूं का खेत है एकदम बढ़िया वाला, और ये खेत भी हमारा है, ये घर हमारा है, ये कार पार्किंग हमारी है, ये सीलो हमारा है, ये वाला बान हाउस हमारा है, और इधर साइड में भी एक खेत, ये भी हमारा है, ये ट्रैक्टर हमारा है, मतलब इतने एरिए में सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी है। यहाँ जो चाहो हम खेती कर सकते हैं, जो हमारा दिल है। और इधर अगर देखोगे तो यहाँ पे उड़ जा साले, मेरी फसल खराब करेंगे, तुम्हारा कौवा बिरयानी बना दूंगा। और यहाँ पर अगर टॉप साइड में देखोगे, राइट साइड में, तो अभी हमारे अकाउंट में 1,00,000 यूरोज है। और अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं, अगस्त का महीना है गर्मियों का, तो गर्मियों के मौसम में एकदम बढ़िया हवा चलती है। अभी अपना काम ये है कि जितनी भी ये खेती रेडी हो गई है ना, ये सारी की सारी खेती अपने को इस मशीन की हेल्प से पूरी की पूरी निकालनी है। मगर ये मशीन की दिक्कत ये है, इससे मैं जितने गेहूं निकालूंगा ना, तो इसके बैक साइड से ये कुछ इस साइड से या फिर इस साइड से ना गेहूं ये बैक साइड में डंप करता है, तो अपने को इधर एक ट्रैक्टर खड़े करना है ताकि ये मशीन चलती रही और जितना भी गेहूं है ना वो सारा का सारा अपने ट्रैक्टर के अंदर जमा हो जाए, एक भी गेहूं वेस्ट ना हो। वैसे इसके अंदर गाड़ियों के कंट्रोल्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब काफी ज्यादा हार्ड है। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो ना यहाँ से, खामखा मेरी फसल खराब कर रहे है। और एक और चीज, नए आए हो चैनल पे, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करोगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अभी आने वाले टाइम में काफी बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और काफी बढ़िया बढ़िया सीरीज आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो इधर तो मेरे को एक बढ़िया वाला ट्रैक्टर दिख गया है, तो इसको फटाफट से ना वाली जगह पर लेके चलते हैं। और सामने भी एक खेत अपने यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो एक काम करेंगे, यहाँ ये वाली फसल जब हम निकालेंगे ना, उसके बाद में ये वाली जगह के ऊपर भी हम खेती करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने यहाँ पर ना सामने ही अपने फार्म के पेट्रोल पंप है, और कुछ दूरी पर ही अपने पास में ना एक बेकरी, पहले देख ले तो कोई है नहीं है अपने पीछे, नहीं है ना। और देख रहे हो, मतलब जैसा ओरिजिनल ट्रैक्टर का कंट्रोल होता है, इसका भी कंट्रोल कुछ उसी तरह से है। पहले तो एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ पर खड़े कर देते, फसल के ऊपर हमको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी, फसल के ऊपर अगर गाड़ी चलाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। और यार मेरे को फिर से टर्न करके एक दो इसको ना एकदम प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ेगा, या फिर मेरे पास में एक एम्प्लॉय भी है तो वो एम्प्लॉय को बोल सकते हैं हम कि तू ट्रैक्टर चला ले, मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा, चलो इसको इधर लगा देते। और इसके साथ में ना, मगर उससे
इम्पोर्टेंट चीज, इसका पीछे का बैक कवर तो मैंने खोला ही नहीं, तो बैक कवर खोलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो इसके बैक कवर हटा देते। चलो ये बैक कवर हट गया, उसके साथ में ना इसके अंदर अगर वर्कर को बिठा देंगे वो ज्यादा सही रहेगा। और इस वाली फसल को ना हम चलाते, मतलब ये वाली जो बड़ी वाली मशीन है, टॉप लाइनर, काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी मशीन है, इसको हम चला लेंगे। मगर उससे इम्पोर्टेंट चीज, पहले इसको अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद ना ये वाली मशीन को ना अपने को जमीन पे रखना पड़ेगा, और उसके साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ना अपने को साइड से पाइप निकालना पड़ेगा। पाइप इसलिए निकालना है ताकि जितना भी गेहूं निकलेगा वो पूरा का पूरा इस पाइप के जरिए इस वाले ट्रैक्टर के अंदर चला जाएगा। तो एक काम करना पड़ेगा अपने को, पहले हम ये वाली गाड़ी चलाने वाले थे ना, तो उसको छोड़ देते, हम चला लेते ये वाला ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब अपना जो एम्प्लॉय है उसको उतना नॉलेज है नहीं ट्रैक्टर का। तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाला जॉब ना दे देता हूँ एम्प्लॉय को। अबे बिठा, अबे चालू कर गाड़ी, अबे गेहूं खत्म हो जाएगा, रुक जा रहा हूं मैं। अबे हेलो, अब ये कहाँ फेंक रहा है? आ गया मैं, आ गया, टेंशन मत ले। हाँ छोड़ता जा गेहूं अंदर, छोड़ता जा। यस भाई, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा पूरा, गेहूं वेस्ट ना हो जाए। हमको अभी आदत नहीं है ना, हम नए नए किसान बने हैं हम, तो इसके कंट्रोल्स भी यार काफ़ी ज़्यादा अजीब है। धीरे धीरे करके चलाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ऐसे चलते रहते धीरे धीरे पूरा गेहूं वेस्ट ना हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। चलो ये टर्न कर रहा है ना, अब यहाँ से हम भी रोटेट कर लेते हैं। आजा, मैं यही बाजू में हूँ, आना। अबे मैं जाऊंगा फसल खराब हो जाएगी, एक काम कर, तू निकल, मैं ऐसे जैसे तैसे करके रुक जाता हूँ, ठीक है? अबे जा आगे जा। यस जाता जा भाई साहब। यार मैंने थोड़ी सी फसल खराब कर दी अपनी, यार दिक्कत की बात नहीं, नए किसान है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। आ जा भाई, इसमें ज्यादा लोग होना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना अपनी तो खेती की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ पूरे खेत की, मैं तो पूरी फसल खराब कर दे रहा हूँ भाई, मैं खुद ही फसल खराब कर दे रहा हूँ अपनी। अबे पहला ही दिन है, पहली फसल है इस। एक काम करता हूँ, इसको भी AI वाला वर्कर अगर मैं दे दूँ तो क्या वो कर लेगा यार? खैर कोई बात नहीं, मैंने पूरी फसल खराब कर दिया ना भाई, पूरी फसल खराब कर दिया मैंने। शह एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना इधर कॉर्नर में रुक जाता हूँ, इसको काम करने देते हैं, हम थोड़ी देर ना यहाँ पर रुक जाते हैं। अभी अपने पास में पैसे अगर देखोगे तो भाई 99,000 यूरोस बचे हुए। तू काम करता रहे यार भाई, तू काम करता है। आ गया, चला जा, आ जा। मेरे को इसी साइड से अगर मैं रुकता ना तो वो ज्यादा सही होता, क्योंकि मैंने खामखा उस साइड से जाके अपनी फसल खराब कर दिया। आ जा, आने दे। अब थोड़ी गेहूं वेस्ट करूंगा। एक बार एक लाइनअप मिल गया ना हमको, क्या इतना चलना है, इतना काम करना है, उसके बाद गेहूं वेस्ट नहीं होगा भाई। ये अपना फर्स्ट डे है, इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल्स में और वो सारी चीज में ना हम थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा रिटर्न में हम कैसे करेंगे पूरा का पूरा गेहूं। तो मैं देखो अभी इस बारी ट्रैक्टर के अंदर जमा कर लिया, ठीक है? अब उस साइड से पाइप है इसका या नहीं है कोई आइडिया नहीं है, मगर उधर साइड से जाऊंगा तो यार खराब नहीं हो जाएगी खेती भाई? यार ये पूरी की पूरी खेती ना, मतलब बीच में गेहूं जमा हो चुका है और ये और निकाल के लाइन बना रहे। एक काम करता हूँ मैं, जितना मेरे पास में गेहूं है ना, कम से कम वो तो जाके सीलो के अंदर रख देते, बाकी का देखेंगे। फर्स्ट डे, बहुत सारी चीजें अभी सीखना बाकी है, तो वो अपना काम करता रहेगा। अभी तो अपने को इस वाली जगह को भी तोड़कर लेवल अप करना है पूरी तरह से। सीलो के पास तक तो हम आ गए, अब जितना भी गेहूं जमा किया है वो सारा का सारा इधर अपने को डंप करना पड़ेगा। तो ये खोल दिया हमने ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स, अब ये इसके अंदर से सारा का सारा गेहूं चला जाएगा अपने सीलो में, पूरा का पूरा स्टॉक हो गया। बस एक चीज अभी मेरे ये समझनी है कि जितना भी गेहूं निकल रहा है वो सारा का सारा गेहूं इधर हट जाते, थोड़ा सा ये लाइन के अंदर जमा हो रहा है। मैं इसको उठाऊंगा कैसा, मेरे वो समझ नहीं आ रहा। उसके लिए भी कोई प्रॉपर टूल वगैरह है नहीं है, कोई आइडिया नहीं है उसका। मगर एक चीज ये गेम की ये अच्छी है, क्या अभी इसको अगर मैंने टास्क दे दिया ना तो खुद ही मैनुअली सारा का सारा काम करता रहेगा। इस बार की फसल काफी ज्यादा बढ़िया है। चलो इसको ये करते अपन वहां जाकर ना पीछे की जमीन तोड़ दे, क्योंकि ये वाली जमीन तोड़ के अपने को वापस से यहाँ पर गेहूं उगाना है। तो ये अपना टॉप लाइनर काम करता रहेगा, बड़ा वाला बुलडोजर। हम चलते हैं यहाँ वाली जगह पे, क्योंकि ये वाली देख रहे हो यहाँ से मैंने कुछ टाइम पहले पूरा का पूरा गेहूं निकाल लिया है। तो
इस वाली जगह को वापस से तोड़कर लेवल अप करना है, मतलब ऐसे करना है उस वाली जगह को जैसे हमको वापस से उसके अंदर फसल उगानी है। वो जमीन नहीं तोड़ देते, हमको भी कुछ उसी तरह से करना है। पहले तो एक काम करना है, ये वाली चीज को अटैच करना है और ये वेट को अटैच करना है। जब ये हो जाएगा थोड़े सा बुलडोजर को आगे लेना है, उसके बाद में सामने का वेट छोड़ना है, पीछे वाली चीज को नीचे करना है, सामने से वेट उठाना है और सीधा सीधा अपने को अपने ट्रैक्टर को चलाना है। थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना वरना अपने को काम ये काफी ज्यादा हार्ड पड़ जाएगा। और अभी तक तो हम पूरी जमीन को एकदम बढ़िया तरीके से तोड़ रहे हैं, बस होप पूरे खेत को अच्छे से तोड़ पाए। ओ भाई एकदम बढ़िया तरीके से मैंने कर दिया इसका काम। अब इधर से ना, अरे भाई इसके वो खराब हो जाएंगे। एक काम कर दो, पहले ना इसको हवा में उठाता हूँ वरना उसके कांटे खराब हो गए ना, वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। चलो इधर आ गए हम इस वाली जगह पर। एक भी गैप नहीं छोड़ना हमको, एक भी चीज नहीं छोड़नी, मतलब हर एक चीज को ना एकदम बढ़िया तरीके से हार्वेस्ट करना है। ये लगा दिया इसको जमीन में, सामने से वेट उठा लिया, अब चलते सीधा सीधा। अभी भी हो रहा है, यस होता जा होता जा। यस हम एकदम बढ़िया तरीके से चीजों को तोड़ रहे हैं, मतलब जमीन को हार्वेस्ट कर रहे हैं एकदम, मतलब जैसे खानदानी किसान हो। ओहो चलो इधर का हो गया, फिर से सामने से वेट छोड़ना है, कांटे को हवा में लेना है, सामने का वेट उठाना है, आगे जाके अपने बुलडोजर को कुछ इस तरह से टर्न करना है और फिर से पूरी की पूरी जमीन को तोड़ना है। वैसे ये सिर्फ मैं तुम लोगों को बताने के लिए जमीन को तोड़ रहा हूँ, क्योंकि अपने पास में दो वर्कर है तो अपने को दिक्कत नहीं है, अपन वर्कर से ही अपना तकरीबन पूरा ही काम कराते हैं। हम सिर्फ मोटा मोटा काम देखते हैं अपने को जो करना है तो, और बिजनेस से रिलेटेड चीज है। ये ट्रैक्टर इधर आ गया, सामने का वेट डाउन, हार्वेस्टिंग वाली चीज को हम पीछे लगा दिया और अब चलते हैं सीधा सीधा। देख रहे हो ऐसे होती है खेती, अगर किसी को नहीं पता है तो बस अपना काम यहीं तक था। इतना करने के बाद ना इधर थोड़ा सा रुक जाते और इसको बोल देते कि भाई AI को बुला और काम कर ले, ठीक है। इसको एकदम प्रॉपर तरीके से लगा दिया। यहाँ पर आ गया बुलडोजर, यहाँ पर आ गया सॉरी अपना वर्कर। अब ये ट्रैक्टर लेके ना हर एक फील्ड को ना एकदम बढ़िया तरीके से कर देगा। अब यहाँ पर चलते इधर साइड में आके देखते तो ओहो यहाँ का तो पूरी तरह से काम हो चुका है कंप्लीट। बस अपने को यहाँ जमीन से ना गेहूं उठाना है और गेहूं उठाने के बाद ना इसको पूरी तरह से अपने को जमा करना है। अभी उसके लिए कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी कोई आइडिया नहीं है मेरे को। एक बार बान हाउस के अंदर जाके चेक कर लेते हैं, यहाँ पर तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो जानवरों का पानी का है। और इस साइड में कौन सी चीजें वो चेक कर लेते हैं, इसके अंदर मैं जा सकता हूँ, वैसे नहीं जा तो नहीं सकते है, मगर यहाँ पर ना छोटा सा हैंड पंप बना हुआ है और एक ये साइड में बैरल रखा हुआ है। और बैरल के साथ में ना यहाँ पर अगर बताऊँ ना तुम लोगों को तो यहाँ देख रहे हो कितनी बड़ी खेती है, मतलब इस गेम में हम दूसरे फार्मर्स के साथ में भी डील कर सकते हैं। और ये चेक करते हैं कि इसने क्या चीज उगाया है, तो ये है कैनोला जो कि रेडी हो चुका है हार्वेस्ट करने के लिए। और इसके साथ में अगर ये देखोगे तो ये है सोयाबीन, और सोयाबीन भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। खैर दूसरों का काम बाद में करेंगे, पहले अपने प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। वहां पर गेहूं पड़ा हुआ है, देख रहे हो वर्कर को बोल दिया तो कितने अच्छे से काम करता है यहाँ का हर एक चीज, देख रहे एकदम प्रोफेशनल तरीके से। हम अगर होते तो हम ओ अच्छा तो ऐसे फसल तोड़ी जाती है, मतलब मैं भी नूब जैसे फसल तोड़ रहा था। देख रहे हो ये कितने अच्छे से फसल तोड़ रहा है। ओ भाई यार ये सिलो के अंदर थोड़ा सा ना गेहूं जमा हो गया है, गेहूं से हम बहुत सारी बेकरी वाली चीजें भी बना सकते हैं। अभी तुम लोगों को चल के ना मार्केट बताता हूं एक बार कि अपने आसपास में और कौन सी चीजें। वैसे ये वाली गाड़ी का जो कंट्रोल है ना फुल ओ भाई एकदम ज्यादा रियलिस्टिक है। और इतने में से एक भी गाड़ी पावर स्टेयरिंग नहीं है, बताओ एक गाड़ी भी पावर स्टेयरिंग नहीं है, मतलब बंदा क्या ही कर लेगा। ये है बाजू में अपने पेट्रोल पंप, और वैसे जो अपने फार्म के बाजू में एक फार्मर का जो घर है ये वाला, तो वो कोई लेडी फार्मर है। और यहाँ पर देखोगे तो टॉय स्टोर से अपना क्या काम, अपना बेकरी का काम है। और ये वाली बेकरी अगर तुम लोगों को बताऊं ना मैं, ये वाली बेकरी 50,000 यूरोज में मिल रही है अपने को, तो देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ 50,000 यूरो, मगर सिर्फ और सिर्फ 50,000 नहीं, वो 50,000 यूरो है अपने लिए, काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो थोड़े टाइम के बाद तो हम वो परचेस कर ही लेंगे, क्योंकि आज तो अपने फार्म का पहला ही दिन है तो फिर दिक्कत नहीं है। और भी काफी सारी चीजें, एक बार अंदर से गाड़ी का लुक बताऊं ना, देख रहे हो गियर भी हम मैन्युअली डालते हैं इसके अंदर। इधर साइड में जाना था ना, वैसे कोई है मेरे पीछे, नहीं कोई भी नहीं है मेरे पीछे, चलो इस साइड में जाते हैं। और ये है क्लेवर मोटर्स, यहाँ पर अगर किसी भी फार्मर को कुछ हेल्प चाहिए, कोई चीज परचेस करना है और रिपेयर करना है, तो वो सारा का सारा काम इस वाली जगह पर होता है। और यहाँ पर अगर देखोगे सारी की सारी मशीनरी, तो ये काफी ज्यादा एडवांस लेवल की मशीनरी है, मतलब यहाँ पर ट्रेलर से लेके पैक्स पैलेट से लेके बॉक्सेस से लेके हर एक चीज अपने को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और ये प्राइस देख रहे हो 2,47,000 यूरोस जो
चुके काफी 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 ज्यादा बड़ा अमाउंट है अपने लिए फिलहाल में। और यहाँ पर जो अपने पास में अभी मीडियम मीडियम वाली छोटी मोटी चीजें है ना, वो ये अपने को मिल रही है। तो इधर जितनी भी चीजें परचेस करना है वो सारी की सारी इधर मिलती है। और यहाँ पर अगर बताऊँ ना तो यहाँ पर दूसरे फार्मर्स ना डील्स लेके आते हैं, फिर वो किसी भी टाइप की डील होती है, गाड़ियों के रिपेयरिंग की भी, या फिर अपने को कोई चीज बेचनी हो तो हम यहाँ पर भी बेच सकते हैं, गाड़ियों को रिपेयर कर सकते हैं। मतलब वो सारा का सारा काम इधर होता है, यहाँ से परचेस करो, यहाँ पर उसको सेल करो या रिपेयर करो या जो भी करना हो। और इससे थोड़ा ही अगर आगे जाओगे तो ये सामने दिख रही है ये बड़ी वाली, ये है ऑयल फैक्ट्री। अभी अपन ऑयल के लेवल तक पहुंचे नहीं है, मगर फिर भी बता दूं ये बड़ी वाली है ऑयल फैक्ट्री। बस अभी अपने को गेहूं का देखना है और उसके बाद में हर जगह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री फैक्ट्री देखने के लिए मिलेगी। खैर अभी अपना फैक्ट्री से कुछ भी काम नहीं है, अभी हम चलते हैं हमारे घर। अबे सीधा चल ले, एक काम करते हैं हम GTA 5 कुछ ज्यादा खेले तो हम शॉर्टकट से अपने घर जाएंगे। ओ भाई किसी के फार्म में एंटर कर लिया मैं। खैर कोई नहीं, सारी की सारी चीजें हो जाएगी धीरे धीरे करके। आज तो हमारा फर्स्ट डे था फार्म का, अभी तो इसके अंदर काफी बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स और आना बाकी है। तो ये लगा दिया हमने गाड़ी को इधर। यहाँ पर जितना भी गाड़ी का रिपेयरिंग है, वॉशिंग है, वो सारा का सारा काम ना इधर होता है। देख रहे हो यहाँ पर मेरे एक नीचे से जगह भी बनाया हो जहाँ पर ना कार वॉशिंग वगैरह वो सारा का सारा काम ना अच्छे से होता है, क्योंकि हमारे पास में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं कि उसका मेंटेनेंस काफी ज्यादा देखना पड़ता है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ओहो पूरी की पूरी फील्ड रेडी हो गई, बस यहाँ पर अपने को अभी फर्टिलाइजर लाना है, सीड्स लाना है और यहाँ पर फिर से पूरी की पूरी खेती डबल से करनी है। और उसके साथ में ना ये वाली जगह को भी हार्वेस्ट करना है, पूरी तरह से तोड़ना है और फिर यहाँ पर भी ना फर्टिलाइजर और वो सारा का सारा सीड्स ला करना यहाँ पर डबल से उगाना है। और उसके साथ में ना ये रहा अपना घर। अगर हम यहाँ खेती करने के बाद में थक गए तो बस अंदर जाओ, और यहाँ जाने के बाद ना हम डायरेक्ट सो सकते हैं। अगर मेरे को सोना है उसके लिए मुझे थकना पड़ेगा, और मैं थका नहीं हूँ बिल्कुल भी, इसीलिए जब थक जाएंगे जब सो जाएंगे ठीक है। और यहाँ पर अगर वीट देखोगे हमारे पास स्टोरेज के अंदर, तो यहाँ पर 1622 किलो है, जो कि ज्यादा नहीं है मगर है अच्छा खासा। और जब भी हम कोई भी चीज यहाँ पर उगाने के लिए रखते हैं, उसको उगने के लिए काफी ज्यादा जब भी टाइम लगता है, तो उसके उगने तक अपने को इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर एक चीज तुम लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अपने को कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, मतलब फील्ड 36 पे अगर हम जाएंगे तो ये लेडी अपने को 2000 यूरो ऑफर कर रही है, जिसके लिए एक ये वाला मशीन लगेगा, उसके साथ में ये दो मशीनें भी लगेंगे। ये तो एक अपन परचेस कर सकते या लीज पर भी ले सकते हैं, लीज पर लेंगे, क्योंकि 2000 यूरो कमाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनें मैंने परचेस कर लिया तो फिर मेरा प्रॉफिट कहाँ होगा। और ये फील्ड 69 पे अगर जाएंगे ना, तो फील्ड 69 पे थोड़ी सी एडवांस लेवल की मशीन ही चाहिए, मगर वहां पर अपना काम हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि लीज पर भी हमने अगर चीजें ली ना तो अपने को 8000 यूरो मिल रहे, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। मगर दूसरों के यहाँ काम करने से पहले अपने खेत का ध्यान देंगे, उसके बाद में दूसरों के पास जाएंगे। तो बस फिर आज के एपिसोड को इतना ही रखते, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आए हो चैनल पे एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करना। मैं सेकंड चैनल पर भी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और काफी बढ़िया बढ़िया सीरीज आना बाकी है। आज के एपिसोड को शॉर्ट इसलिए रखा क्योंकि आज हमारा फार्मिंग सिम्युलेटर 2020 में पहला दिन है, मतलब पहला एपिसोड है, अभी तो हमको काफी सारी चीजें सीखना बाकी है। तो मिलता हूं तुम लोगों से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।